नमस्ते, मेरा नाम गायत्री गायकवाड़ है। मैं गज़लसरा इस फेसबुक पेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और डॉक्टर सईद जी इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे हाँ गाने के लिए बुलाया है। तो मैं आज आपके सामने कुछ गज़ल पेश करूँगी, कुछ मेरे खुद के भी कंपोजिशन है तो वो भी पेश करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने नियते शौक ये गजल पेश करूंगी। मेरी आवाज आ रही है ठीक से सभी को? मैं सबसे पहले ये गजल गा रही हूँ। नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। ये नासिर जी का लिरिक्स है इनके। ओके, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। नियते शौक
उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए, हुस्न तेरा बिखर न जाए, तुम्हें दिल से Thank you.
क्या क्या फरेब खाए ये गजल पेश करूंगी। ये शुभा जोशी जी ने गाई है। Thank you.
जरूरत के नाम पर क्या क्या फरेब है, मोहब्बत के नाम पर रिश्ते बदल गए, रिश्ते बदल गए जरूरत भी अपनी रख सकूं, इतनी जगह तो दे दो, इतनी जगह तो दे दो इबादत के नाम पर रिश्ते बदल गए, रिश्ते बदल जरूरत के नाम पर क्या क्या करे होना है कामयाब अगर जिंदगी में तो होना है अगर जिंदगी में तो ख्वाबों से खेल जाओ, ख्वाबों से खेल जाओ हकीकत के नाम पर रिश्ते बदल गए, रिश्ते बदल बद नगमा वफा के बदले वफा तो मिली नहीं, अब कर ले बे वफाई बगावत के नाम पर रिश्ते बदल गए, बदल गए जरूरत के नाम पर क्या क्या फरेब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ah
जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया है मोहब्बत तेरे। अभी आपके सामने में दूर है मंजिल राह मुश्किल ये गजल पेश कर रही हूँ। Thank you.
शायर शकील बदायूनी जी है और गाया है बेगम अख्तर साहिबा ने। तो मैं पेश कर रही हूँ दूर है मंजिल राह मुश्किल। Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो कृष्णा, अभी इसके बाद मैं आपके सामने मैंने खुद कंपोज की हुई एक गजल पेश कर रही हूँ। ये गालिब साहब की गजल है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम है
बहुत शुक्रिया अमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लास्ट में एक गज़ल पेश कर रही हूँ, इसके बाद मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। और मैं फिर से डॉक्टर सईद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और ग़ज़लसरा इस पेज का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी लास्ट में एक गज़ल, अगर मुझसे मोहब्बत है, ये लता जी ने गाई हुई ये गज़ल मैं पेश कर रही हूँ। बना लूँ तो करारा
सईद जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और फिर कभी मौका मिले तो और भी गजलें सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच।